Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to start a new chapter, chapter number 17, Discovery of Fire. This is part 1 of this chapter. In this part we will discuss life of early man. So let's start. In this lesson, we will learn about how early man lived, the tools he used, uses of fire for early man. दीज आर द टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. लाइफ ऑफ अर्ली मैन, ये हमारा पहला टॉपिक है. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ वी लीड. देखिए, हम जैसे अपनी लाइफ अभी स्पेंड करते हैं, हम जैसे अभी जी रहे हैं, ठीक है, उससे अगर हम कंपेयर करें अर्ली मैन की लाइफ, जो आदि मानव थे सबसे पहले, तो बहुत डिफरेंट थी. ठीक है, ही हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज, कई सारी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता था. अर्ली मैन लिव्ड इन जंगल्स विच वर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अर्ली मैन कहाँ रहते थे? जंगल्स में. ठीक है, जो जंगल होते हैं, और लेकिन क्या था, विच वर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और उन जंगलों में क्या थे? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर. He lived in caves and on trees. वो कहाँ कहाँ रहे? अगर हम रहने की बात करें तो caves में और trees में, गुफाओं में रहते थे वो और पेड़ों पर. He did not have any weapons to protect himself from these animals. उसके पास कोई भी weapons नहीं थे, हथियार जिनको हम बोलते हैं. देखिए, खुद को बचाने के लिए उन जंगली जानवर से कुछ weapons तो थे नहीं. ठीक है, He had no clothes to wear. और अगर हम कपड़े पहनने की बात करें तो खुद को ढकने के लिए भी कपड़े नहीं थे. ही यूज टू वियर द स्किन्स ऑफ एनिमल्स और बार्क्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. देखिए, वो क्या पहनते थे कपड़े? अगर हम देखें कपड़े कौन से पहनते थे, स्किन्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स जिनको वो मारकर खाते थे, मैं आगे बताऊंगा क्या खाना खाते थे वो, ठीक है, उनकी स्किन्स पहन लेते थे, या फिर बार्क्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. देखिए, पत्तियां जो होती हैं ट्रीज की, वो पहन लेते थे वो, या फिर बाग्स. बाग्स एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं उसको छाल पेड़ की. देखिए, जो आपने ट्रंक देखा होगा ट्री का, उसकी जो ऊपर हार्ड आउटर कवरिंग होती है ना, उसको वो पहन लेते थे. तो ये हमने क्या देख लिया कि वो क्या पहनते थे. क्लियर? ही हैड अनदर डिफिकल्टी. एक मुश्किल और थी उनके पास, वो क्या थी? ही डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड फॉर हिमसेल्फ. जैसे आज हम सबको पता है कि हमारे लिए, जैसे जो किसान होते हैं वो खाना उगाते हैं हमारे लिए फार्मिंग करके, लेकिन अर्ली मैन को तो ये पता नहीं था. सो अब वो क्या खाते होंगे? ही एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स व्हेन ही फेल्ट हंग्री. जब उनको भूख लगती थी तो वो क्या खाते थे? फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट हैं उनके, या तो फल खा लिए या जो रूट्स हैं, जो जड़ें होती हैं, वो खा ली. समटाइम्स ही किल्ड वाइल्ड एनिमल्स एंड एट देयर फ्लैश रॉ. कभी कभी जो एनिमल्स होते थे, जंगली जानवर, उनको मारा, ठीक है, और उनका जो फ्लैश है, उनका जो मांस है, उसको कच्चा ही खा गए रॉ. बट इट वॉज नॉट ईजी टू डिग रूट्स एंड किल एनिमल्स विद बेयर हैंड्स. लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि जो एनिमल है उसको मार दिया हाथ से, खाली हाथों से, या फिर जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स निकाल पाना, इतना आसान तो था नहीं. सो अर्ली मैन यूज्ड स्टोन्स विथ शार्प एजेस. तो अर्ली मैन किसका यूज़ करने लगे? ऐसे स्टोन्स, ऐसे पत्थर जिनकी जो एजेस हैं वो शार्प हैं, धारदार हैं. ठीक है, ही यूज दीज स्टोन्स टू हंट एनिमल्स. वो इन स्टोन्स का यूज़ करते थे जानवरों का, एनिमल्स का शिकार करने के लिए. ही ऑल्सो यूज्ड शार्प वुडन स्टिक्स एज टूल्स. वो ऐसी लकड़ियों का भी यूज़ करते थे जो शार्प हैं, पैनी हैं, धारदार हैं, ठीक है, उनसे भी वो एनिमल्स को किल करते थे. लेटर ही लर्न्ड टू टाई शार्प स्टोन्स टू अ वुडन स्टिक. फिर वो उसके बाद क्या सीखे कि कैसे वो एक लकड़ी में जो स्टोन है उसको बांध सके. ठीक है, नाउ ही कुड किल एन एनिमल विदाउट गोइंग नियर इट.
अब वो एक जानवर को मार सकते थे बिना उसके पास जाए। देखिए, अगर मान लो मेरे पास स्टोन है और एनिमल पास आएगा तभी मैं मार पाऊंगा, राइट, या फिर कोई वुडन स्टिक है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा टूल बना लूँ, एक लकड़ी है बड़ी सी, उसमें स्टोन जो शार्प एजेस वाला हो उसमें उसको मैं बांध लूँ, टाई कर लूँ, तो फिर एनिमल के पास जाए बिना ही मैं क्या कर सकता हूँ, उस एनिमल को मार सकता हूँ। वैसे ही अर्ली मैन ने भी किया। दीज स्टोन टूल्स ब्रॉट अ बिग चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। ये जो स्टोन टूल्स उन्होंने बनाए, इससे बहुत बड़ा चेंज आया उनकी लाइफ में, अर्ली मैन की। नाउ अवन, ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? So everyone, this is all for the video. Our part number 1 is completed. We have seen life of early man, means the food eaten by the early man, the clothes they were wearing at that time, the tools they made from stones and wooden sticks. So this was in this topic. I hope you understood. That's all for the video.